यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। सब टीम अब एक एक मुकाबला खेल चुकी है एक जीत के साथ। ऋषि इलेवन तो एक जीत की तलाश में पुर्तगाल बार जो कि वॉलीबॉल में काफी सारी ट्रॉफी एकत्रित कर चुकी है, पर यहाँ पर क्रिकेट में मौका बनाया उन्होंने, खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर खड़ा किया। उनके ऑनर प्रीतेश भाई जो कि इस मुकाबले को देखती हुई, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ स्टार्ट। जी हाँ, ऋषि इलेवन एक जीत के बाद आत्मविश्वास बुलंद उनका। और करण एक महत्वपूर्ण पारी, और इसी बीच पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत, एक और बड़ा शॉट की प्रयास। इस बार धीमी गति की गेंद को लाया गया था। पुर्तगाल बार इस बार काफी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है। विकेट कीपिंग की एक मुख्य भूमिका भवांशु को यहां पर रखा गया है। पहली गेंद पर छक्का प्राप्त करने के बाद बैक टू बैक डॉट बॉल, अगली गेंद लेकर इस बार स्वीप शॉट खेला, कमाल की पारी। जी हाँ, फाइनल लेग की तरफ गैप को ढूंढ निकाला। पहले छक्के के साथ शुरुआत, लगातार दो डॉट बॉल और यहां पर एक अच्छे शॉट। चार गेंदों में 10 रन की महत्वपूर्ण पारी। प्रारंभिक बल्लेबाज ऋषि इलेवन की ओर से खेलते हुए करण एक अच्छी स्थिति में, एक जीत के बाद आत्मविश्वास बुलंद ऋषि इलेवन का। पर जिस तरह से मैदान पर उतरी है पुर्तगाल बार, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का विश्व पुर्तगाल बार, और यहां पर टेढ़ी उंगली करना चाहा, जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है, और यहां पर बल्लेबाज करण टेढ़ी उंगली। पर फिलहाल 21वीं सदी चल रही है, आप घी को गर्म करके भी निकाल सकते हैं, यानी कि पिच पर समय निकालना होगा। जितना ज्यादा समय निकालेंगे, सेट होंगे, रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर बल्ले का एक और बाहरी किनारा। जी हाँ, दो फील्डरों को चीरती हुई, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर थर्डमैन के द्वारा, फुटबॉल की तरह रोकने का पूरा प्रयास। और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। और पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 12 का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत। ऋषि इलेवन दो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, और पुर्तगाल बार जो कि एक बार फिर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। और अब तक यह 5वां मुकाबला जारी है। शुरुआती 4 मुकाबले की अगर बात की जाए तो टॉस जीतने के बाद जो टीम ने गेंदबाजी पर विश्वास रखा था वो टीम ने हार का सामना किया। और इसी बीच गेंदबाजी में दूसरे गेंदबाज पावर प्ले के रूप में लाया गया है ध्रुव को, एक युवा खिलाड़ी, एक उभरते हुए खिलाड़ी। फिलहाल वासु स्ट्राइक पर बिल्कुल सही लाइन एंड लेंथ, धीमी गति के गेंद का प्रयास और काफी हद तक सफल रहे। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर, एक विकेटों की तलाश में यहां पर गेंदबाज को लाया जा रहा है। बिल्कुल सही सोच, टप्पा खाने के बाद एक धीमी गति, बिल्कुल बाहर निकलती हुई गेंद, बल्लेबाज खड़े खड़े, एक बड़े शॉट की जरूरत।
एक और धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया। पावर प्ले में इस प्रकार की गेंदें डॉट रहेगी तो टीम को काफी दिक्कत पैदा कर सकती है। इस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद पहली ओवर की 6 गेंदें खेली थी करण ने और वहां से 12 रन प्राप्त किए थे। और यहां पर अच्छा शॉट सिलेक्शन, अच्छा संपर्क, गेंद गई सीधी हवाई यात्रा पर 6 रन। धीमी गति की गेंद को हल्का सा संपर्क में लाई और एक बेहतरीन शॉट सिलेक्शन 6 रन और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। शुरुआती 3 गेंद डॉट जाने के बाद जिस तरह से यहां पर बेहतरीन तरीके से संपर्क मिली, एक और सीधे बल्ले से इस बार फील्डर के पास मौका नहीं और गेंद गई डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 4 रन। शुरुआती 3 गेंद डॉट निकालने के बाद एक अच्छी स्थिति में बल्लेबाजी करते हुए पिछली गेंद पर छक्का और इस गेंद पर चौका। आखिरी गेंद अनिशेष, इस बार काफी खराब गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। पावर प्ले की आखिरी गेंद अनिशेष, पर एक अच्छा शॉट सिलेक्शन, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे चौके में तकदील। और इसी बीच पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27। और इसी बीच जिस तरह से एक बार फिर कप्तान ने विश्वास जताया उनके प्रारंभिक गेंदबाज के ऊपर, चेतन पहली ओवर में 12 रन खर्च किए थे, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन। इस बीच अच्छी गेंद, बड़े शॉट की तलाश बार बार की जा रही है ऋषि लियोन के बल्लेबाजों के द्वारा। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 27 रन 27। और इसी बीच हर बराहट में एक और रन प्राप्त करते हुए एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले पर डॉट बॉल की संख्या भी काफी ज्यादा निकल चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर चेतन के द्वारा, जिस तरह से शुरुआती ओवर में महंगे साबित होने के बावजूद उनको लाया गया और इस ओवर में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अब तक उनकी ओर से। चार गेंदों में सिर्फ एक अतिरिक्त बाई के रूप में रन खर्च किया, कमबैक कराते हुए अपनी टीम के लिए। लगातार डॉट बॉल, यहां पर पांच गेंदों में सिर्फ एक रन खर्च किया चेतन ने। दो ओवर की अगर बात की जाए तो दो ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने थे 27 बिना विकेट के नुकसान पर, और फिलहाल रुका हुआ स्कोर 28 रन 28 आखिरी गेंद अनिशेष। और इसी बीच जी हाँ, यहां से विकेट प्राप्त, विकेट कीपर बवांसु एक अच्छा कैच लपका। तीन ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 28 रन। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद इस ओवर में काफी अच्छा कमबैक करती हुई पोर्चुगल बार, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय यहां पर अच्छे संकेत, रनों की गति को पूरी तरह से रोका गया। वासु और करण अच्छा शॉट सिलेक्शन जरूर थे उनके, पर डॉट बॉल भी उन्होंने काफी ज्यादा निकाली। तीन ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 28, और अब कप्तान आए हैं ऋषि इलेवन के सनील। पहले मुकाबले में एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने। चेतन अपने दो ओवर के कोथे में उन्होंने एक मेडन करा निकाला और 12 रन खर्च करके एक सफलता, एक अच्छी गेंदबाजी, इकोनॉमी रेट काफी बेहतरीन उनका। और अब सनील जो कि कप्तान है ऋषि इलेवन के, पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने थे। और गेंदबाजी लेकर आए हैं सुई, पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। यहां पर एक कप्तानी पारी खेलनी होगी। फिलहाल टीम ऋषि इलेवन लड़खड़ाती हुई 29 रन रुका हुआ स्कोर एक विकेट के नुकसान पर, और इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। डैन गेंद डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 4 रनों के लिए, जहां से पहले मुकाबले में पारी को पूरा किया था यहां से वापस शुरू करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 33। और अच्छी गेंद लेकर एक बार फिर, और इस बार कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, कप्तान का सामना करते हुए कप्तान, और कप्तानी पारी यहां पर खेली जा रही है। पहले चौके के साथ शुरुआत और अब छक्का। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 39। इस ओवर की शुरुआती गेंद पर सिंगल, उसके बाद चौका फिर छक्का, एक महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेली जा रही है सनील के द्वारा, नंबर 3 की मुख्य भूमिका। और यहां पर सफलिंग हुए थे, यानी कि वाइड की गुंजाइश वहां पर पूरी होती है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए कप्तान पुर्तगाल बार के सुई। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 39 रन 39। और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद सीधी उछली विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गई गिन गई। पहली गेंद सिंगल, उसके बाद चौका फिर छक्का फिर बैक टू डॉट बॉल। और यहां पर हुआ अच्छा संपर्क, जी हाँ, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा, 4 रन। और यहां पर हुई समाप्ति ओवर की, 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 43।
करीबन 11 के औसत से बिल्कुल करीब बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेलते हुए कप्तान ऋषि इलेवन के सनील, 5 गेंदों में उन्होंने 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी, 2 बाउंड्री, 1 सिक्सर, बाकी बचा खेल 12 गेंदों का और देखना होगा बाकी बची 12 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था पुर्तगाल बार ने और जब तक पिछले 4 मुकाबले देखे गए टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का निर्णय लिया था कप्तान ने रन चेस करने में असफल रही और हर एक टीम यहां पर रन चेस करते हुए हारी है। पर एक बार फिर यहां पर चैलेंज करती हुई पुर्तगाल बार टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय गेंदबाजों पर काफी हद तक विश्वास रखा। अच्छी टीम, एक अच्छी संतुलित टीम मानी जा रही है पुर्तगाल बार, अच्छे टीम में बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है और इसी बीच गेंदबाजी में लाया गया है भूपेश को, अपना घरेलू क्रिकेट बोरा जीवा शेरी से खेलते हैं। फील्डिंग में काफी हद तक सुधार किया जा रहा है, और इस ओवर की शुरुआत बड़े शॉट के साथ, जी हाँ 6 रन यहां से होंगे प्राप्त और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। एक अच्छी स्थिति में पिछली 2 ओवर की अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर काफी कमाल का रहा था पुर्तगाल बार की ओर से। चेतन ने सिर्फ 1 रन अतिरिक्त के रूप में खर्च किया था, मेडन ओवर निकाला था, विकेट भी वहां से प्राप्त हुई थी, पर उसके बाद जिस तरह से यहां पर अच्छे शॉट सिलेक्शन, एक और बड़े शॉट की तलाश, पहली गेंद पर छक्का प्राप्त करने के बाद एक बड़े शॉट की तलाश की जा रही थी करण के द्वारा, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं अब तक 12 गेंदों में 19 रन, इस बार सीधे बल्ले से खेल लिया, ज्यादातर गेंद डॉट निकाली करण ने, बड़े शॉट जरूर देखने को मिले उनके पारी से और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन पूरे। ऋषि इलेवन पहले बल्लेबाजी करते हुए 5वां ओवर प्रगति पर, कप्तान खुद यहां पर मौजूद बल्लेबाजी पर, 5 गेंदों में 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी यहां पर सनील के द्वारा खेली जा रही है। आने वाली 9 गेंद अनिशेष, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है ऋषि इलेवन इस टूर्नामेंट में। एक जीत, इस बार धीमी गति की गेंद बल्ले पर जरूर थी पर यहां से होगा सिंगल प्राप्त और सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करण जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे भी सुरक्षित और यहां पर खेल लिया अच्छा शॉट, जी हाँ डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 55। अभी भी आने वाली 7 गेंदें अनिशेष, इस ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष, अब तक इस ओवर में 12 रन खर्च, आखिरी गेंद लेकर भूपेश इस बार सीधे बल्ले से मिड ऑफ के सेक्टर में खेल लिया, सिंगल चुराया, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज और यहां से बड़ी मछली जाल में,
स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहते थे, यानी कि दूसरा रन की तलाश, और यहां पर हुई गलती। जी हाँ, जिस तरह से इस टूर्नामेंट में फॉर्म में थे, सिंगल रन चुराकर पहली गेंद पर आपको स्ट्राइक दे सकते थे करण, जिस तरह से वो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में खेल रहे थे। और इसी बीच एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56। पांच ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 56 यानी कि 11 के आसपास का औसत गेंदबाजी में लाया गया है सुनील को, कप्तान है खुद एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में। बल्लेबाजी पर आए हैं प्रतीक, और यहां पर हुई डॉट बॉल। सनील यहां पर सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, एक गलत निर्णय रन आउट के रूप में उनका, और वो डग आउट में मौजूद। और यहां पर क्या कमाल का कनेक्टिंग हुआ। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में थी, और जिस तरह से हरे भरे बल्लेबाज है प्रतीक, एक बेहतरीन शॉट, बाहर की गेंद को जिस तरह से उन्होंने खेला, एक बेहतरीन बल्ले का स्विंग और 6 रन 62। एक और बेहतरीन शॉट, जी हाँ, बैक टू बैक शॉट, इस बार बल्लेबाज के बिल्कुल स्लॉट में, और गेंद गई पार्किंग प्लॉट में, 6 रन। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 68। पहली गेंद डॉट रही, उसके बाद लगातार 2 गेंद पर 2 सिक्सर। प्रतीक आने वाली 3 गेंद अपनी शेष, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, कैसे भी आए रनों की जरूरत है, और 4 गेंदें खेली और रन बनाए 16, 72, बिल्कुल 12 के ऊपर का औसत। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को बीट जरूर किया, पर यहां पर 4 रन प्राप्त हुए, आखिरी 2 गेंदें यानी शेष। एक और बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, इट्स अ ह्यूज। क्या कमाल की पारी खेली जा रही है प्रतीक की ओर से, नंबर 4 के रूप पे उनको भेजा गया, और उन्होंने अब तक खेली 5 गेंदे, जिसमें 3 छक्के, 1 चौका, 1 डॉट बॉल, आखिरी गेंद। एक और बड़ा शॉट, हवा में गेंद, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और यहां से हुए 2 रन प्राप्त। और इसी बीच 3 रन, और यहां पर एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया। जी हाँ, 81 जीतने के लिए 82 का लक्ष्य।
इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और केडीए डामिनी वुमन फाउंडेशन, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कमांड द स्टेज। बेहद रोमांचक टूर्नामेंट बनता जा रहा है, टीपीएल टंडेल प्रीमियर लीग, कड़ैया माछीवाड़, नानी दमन और मोटी दमन के जो टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर माछी समाज दमन के द्वारा आयोजित टंडेल प्रीमियर लीग सीजन वन। दिलीप नगर के इस मैदान पर जिस तरह से तहे दिल से धन्यवाद मॉर्निंग ग्रुप के मेंबरों का, विकेट बनाने में जिस तरह से मदद की थी उन्होंने, पार्किंग में जो गाड़ी है प्लीज थोड़ी सी साइड में रखे। प्लीज अविनाश और दीपू अपनी बाइक को प्लीज थोड़ी सी साइड में लीजिए, जिस तरह से अब शाम का वक्त होने वाला है और दुकान करने का, रन चेस करने की क्षमता इन्होंने दिखाई है। जहां तक देखा गया है पुर्तगाल बार जो कि वॉलीबॉल में अपना जलवा काफी दिखा चुकी है, क्रिकेट में फिलहाल मौका बनाया उन्होंने, काफी सारी ट्रॉफी वॉलीबॉल में एकत्र की है। तो यहां पर क्रिकेट की ट्रॉफी की तलाश पुर्तगाल बार के ऑनर प्रीतेश भाई, पुर्तगाल बार की टीम के दो ऑनर प्रीतेश टंडेल और भावेश टंडेल। ये मुकाबला इस टूर्नामेंट का आज का पहला दिन और पहले दिन का पांचवा मुकाबला। शुरुआती चार मुकाबले हमने देखे, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया और वहां पर हार का सामना करना पड़ा। पांचवा मुकाबला एक जीत के साथ पॉइंट टेबल पर आगे है ऋषि इलेवन, तो एक जीत की तलाश कर रही है पुर्तगाल बार। गेंदबाजी लेकर आए हैं चंद्रकांत बाले, फिलहाल स्ट्राइक पर पहली गेंद अपील हुई जोरदार और यहां पर आउट। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया, आज भारत और इंग्लैंड के बीच भी पहला वनडे खेला जा रहा है पुणे के मैदान पर। वहां पर इंग्लैंड टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय और अब तक 17 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 75 एक विकेट के नुकसान पर शिखर धवन 52 गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी और विराट कोहली 8 गेंदों में 5 रन, रोहित शर्मा जो कि 42 गेंदों में 28 रनों की पारी खेलकर आउट हुए हैं। हम इस खेल में वापस आते हैं, नंबर 3 की एक मुख्य भूमिका पर भेजा गया है दर्पण को, लंबे कट के एक बेहतरीन बल्लेबाज 82 का लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है।
चंद्रकांत बाले, यॉर्कर का प्रयास और यहां पर अच्छी गेंदबाजी, एक अनुभवी गेंदबाज है चंद्रकांत बाले, हल्के से इंजर भी जरूर है, फिर भी अपनी टीम के लिए यहां पर खेलने का उन्होंने निर्णय लिया। टंडेल प्रीमियर लीग सीजन वन, आज के दिन का पहला दिन और पांचवा मुकाबला रीसी इलेवन और पुर्तगाल बार के बीच 82 का पीछा किया जा रहा है। और इसी बीच धीमी गति की गेंद को लाया गया था और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी सोच के साथ ड्रू, एक युवा प्रतिभा, पहले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने, एक बार फिर कप्तान ने उनको प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेजा। और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन, 82 का पीछा किया जा रहा है, यानी कि प्रति ओवर बड़े शॉट भी चाहिए। इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और केडी दामिनी वुमन फाउंडेशन के बीच, तो उसकी गतिविधि अब होगी। यहां पर एक बेहतरीन शॉट सिलेक्शन दर्पण के बल्ले से, पहली बाउंड्री पहली ओवर की आखिरी गेंद पर मिली। और इसी प्रकार पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 6 रन, जीतने के लिए 82 का लक्ष्य है। तो उसकी गतिविधि हो रही है, महेश भाई जो के तो उसकी गतिविधि करा रहे हैं, केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन और रॉकफोर्ड ब्लास्टर, रॉकफोर्ड ब्लास्टर जो कि एक जीत दर्ज कर चुकी है, और केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन इस बार टॉस जीतती हुई। यहां पर हुई 9 बॉल पर, 9 बॉल पर रन आउट तो मिल सकता है। और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन, जीतने के लिए 82 का लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है। विकेट कीपिंग पर है चंद्रकांत बाले, गेंदबाजी में प्रतीक को लाया गया, एक अच्छी महत्वपूर्ण पारी खेली थी प्रतीक ने अपनी टीम के लिए। कमाल का शॉट, हवाई फायर, गेंद काफी ऊपर, फील्डर नीचे, फ्री हिट थी यानी कि मौका था, और यहां पर ओवरथ्रो, जी हां खराब निर्णय, 5 रन प्राप्त हुए, कैच तो बड़ा लिया पर खराब, फ्री हिट थी, तेज गति की थ्रो यहां पर काम कर गई पुर्तगाल बार के लिए, कैसे भी आए रनों की जरूरत थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी जरूर रहता है। क्रिकेट एक अनिश्चित से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमने यहां पर देखा काफी ऊपर गेंद थी, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, अभी भी 5 गेंदों का खेल अनिशेष पावर प्ले की
ओवर का। और यहां पर हुई जोरदार अपील, रनआउट का खतरा हो सकता था। यहां पर ओवर थ्रो पर ओवर थ्रो किए जा रहे हैं, एक और लेग बाय के रूप में रन, और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। और यहां पर सिंगल के साथ एक रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और केडीए डामिनी वुमन फाउंडेशन के बीच, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया केडीए डामिनी वुमन फाउंडेशन ने। और यहां पर दो फील्डरों के बीच यहां पर कवर के एक्स्ट्रा में ये गेंद चौके में तब्दील, जिस तरह से सुई में से डागा निकलता है उसी प्रकार दो फील्डरों के बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है पुर्तगाल बार। जिस तरह से पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 6 रन का स्कोर था, यहाँ पर 5 गेंदों में 14 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। एक ओवर थ्रो हुआ था और ओवर थ्रो से यहाँ पर खेल पुर्तगाल बार के पास गया था। दो ओवर की खेल की समाप्ति और पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए लक्ष्य है का लक्ष्य है, यानी कि खेल जो बचा है अब 24 गेंदों का समय हुआ है उल्टी गिनती करने का। 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 62, यानी कि करीबन 15 के ऊपर का औसत। यहां पर गेंदबाजी में लाया गया है जिग्नेश को। यहां पर अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी धीमी जरूर रही थी, बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश। और यहां पर ज्यादातर गेंद डॉट निकल रही है, यहां पर सोचना होगा पुर्तगाल बार को, लक्ष्य जो है बड़ा हुआ जा रहा है प्रति ओवर 15 के आसपास का औसत। बेहतरीन शॉट, जी हाँ मिडल ऑफ द बैट, वीरेंद्र सहवाग की याद यहाँ पर ताजा कराते हुए। हवा का तेज बहाव फिलहाल ऑफ साइड की तरफ आप देख सकते हैं और यहाँ पर छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। अगली गेंद लेकर एक और फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, बेहतरीन एफर्ट अपना फील्डिंग पर जोहर दिखाते हुए वासु। अपने टीम के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में रन बनाए थे और यहां पर निश्चित रूप से रन बचाते हुए एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27 एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर, 3 गेंद अनिशेष। यहां पर बिल्कुल सही लाइन एंड लाइन के साथ गेंदबाजी, ऑफ साइड की तरफ ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास,
ज्यादातर गेंदबाज को देखा गया है राउंड विकेट आकर इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, तो बल्लेबाज के लिए काफी कम मौके बनते हैं शॉट खेलने के। इस बार काफी ज्यादा बाहर, जी हाँ, वाइड का सिग्नल, हल्की सी कसरत करते हुए परेश पटेल आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक और गेंद वाइड, जी हाँ, थोड़ी सी दिशाहीन, हमें तो वाइड बॉल ने लूटा, बल्लेबाज का दम था, मेरा बॉल भी वहां गिरा जहां चूना कम था, और लगातार बैक टू बैक टू वाइड, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29। एक और वाइड, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30। एक अच्छे गेंदबाज है, पर जिस तरह से यहां पर ज्यादातर गेंद ऑफसाइड के काफी बाहर कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर दिशा में गेंदबाजी करेंगे तो अच्छे संकेत ऋषि 11 के लिए। अभी भी 20 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है। और यहां पर अच्छी गेंद, रनआउट का खतरा हो सकता था, और यहां पर काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन के साथ, एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। जीतने के लिए 82 का पीछा किया जा रहा है, 19 गेंदों का खेल अनिशेष, और जीतने के लिए रन चाहिए 51। और एक और बेहतरीन शॉट, जी हाँ, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों में तकदील, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 35 स्कोर, 12 के आसपास का औसत प्राप्त किया हुआ है। अब जीतने के लिए बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 47। 15 रन के आसपास का औसत आने वाले बल्लेबाजों में, जिस प्रकार से कप्तान खुद अभी भी बाकी है, सुरक्षित अपने डगआउट में मौजूद, बिल्कुल डगआउट से सेट होकर आना पड़ेगा कप्तान को, करीबन 15 के आसपास का औसत चाहिए। इसी प्रकार 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 35। और इसी बीच सिंगल इस ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज प्रतीक को वापस शामिल किया गया है, एक अच्छी महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली थी अपनी टीम के लिए, आखिरी ओवर में जिस प्रकार से बड़े शॉट की तलाश यहां पर बार बार की जा रही है, सही तरह से गेंद संपर्क में नहीं आई, और हर एक गेंद के साथ यहां पर दूरी काफी बढ़ती हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। फिलहाल 16 गेंदों का खेल अनिशेष, इस बार बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, यहां पर करने होंगे
और यहां पर जी हां सुरक्षित शॉट, चार रन प्राप्त होंगे यहां से और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन, जीतने के लिए 82 रनों का पीछा किया जा रहा है। 14 गेंदों का खेल अनिशेष और 14 गेंदों में जीतने के लिए 39 रन। इस आखिरी दो गेंद पर अगर बड़े शॉट मिलेंगे तो अच्छे संकेत आ सकते हैं पुर्तगाल बार के लिए। दो गेंद में एक बड़ा शॉट और यहां पर होंगे रन प्राप्त। जी हां मौका था इस बल्लेबाज को रन आउट करने का, वो गवाया। पिछली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट, बैक टू बैक दो बाउंड्री, 47 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। आखिरी गेंद अनिशेष, एक और बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। जी हां दर्पण इज ऑन फायर, इस बल्लेबाज को आउट नहीं किया था, रन आउट का मौका था और वहां पर गवाया। 14 गेंदों में 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी, बाकी बचा खेल 12 गेंदों का और 12 गेंदों में रन चाहिए 29 रन। यहां से मैच में पकड़ बनाती हुई पुर्तगाल बार एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है। मैं रोमांचक स्थिति में आता हुआ, खेल बचा है 12 गेंदों का और 12 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 29, प्रति ओवर 14.50 का औसत। गेंदबाजी में शामिल किया गया है चंद्रकांत बाले को। सवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और यहां पर विकेट प्राप्त, एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वो ब्रेक थ्रू यहां पर प्राप्त किया गया है। 15 रन बनाकर यहां पर ध्रुव एक उभरते हुए सितारे, पुर्तगाल बार की ओर से खेलने को मौका दिया गया, प्रारंभिक जोड़ी के रूप में उनको भेजा गया था और एक बेहतरीन कैच। पिछला कैच जिस तरह से आल्बर्ट ने लपका, बेहतरीन कैच। और यहां पर 11 गेंदों का खेल अनिशेष, 11 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। ग्यारह गेंदों का खेल अनिशेष और यहां पर एक और विकेट, बैक टू बैक विकेट प्राप्त करते हुए। यहां पर हैट्रिक का मौका, चंद्रकांत बाले अपने टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। पहले ओवर में भी जब लेकर आए थे गेंदबाजी, उन्होंने सिर्फ 6 रन खर्च किए थे और यहां पर बैक टू बैक विकेट। अब जीतने के लिए जिस तरह से 10 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है, आने वाले बल्लेबाजों में जिस तरह से अगले बल्लेबाज आए हैं,
चंद्रकांत बाले अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो ऋषि इलेवन के ऑनर आशीष भाई डीएमसी के प्रेसिडेंट की ओर से 1000 रुपये दिए जाएंगे। मौका यहां पर हैट्रिक का। आने वाले बल्लेबाजों में आए हैं विमल। पिछली ओवर की पिछली मुकाबले की पहली गेंद उन्होंने छक्के के साथ शुरुआत की थी। और यहां पर हुआ हैट्रिक। यू मिस आई हिट वाली गेंद थी धीमी गति का यॉर्कर। और यहां पर जो इनाम रखा था 1001 का ऋषि इलेवन के ऑनर आशीष भाई के द्वारा, अनुभवी खिलाड़ी यहां पर अपना अनुभव परोसते हुए कमाल की गेंदबाजी। ऋषि इलेवन के उप कप्तान, अगर आने वाली 3 गेंद में और हैट्रिक लेंगे तो एक और 1001 प्राप्त करेंगे। चौथी गेंद पर अगर विकेट प्राप्त करेंगे तो 1001 और मिलेंगे चंद्रकांत बाले को। एक बहुत ही लंबा अनुभव, जिस प्रकार से पिछले 15 साल पहले जिस प्रकार से अंबिका इलेवन के कप्तान थे, काफी चर्चे में रहते थे तब। और आने वाली 3 गेंद पर अगर 3 विकेट लेंगे तो गुप्त दान 10,000 रुपए इनामों की बौछार यहां पर चंद्रकांत बाले के लिए। और इस गेंद पर अगर विकेट लेंगे तो ऋषि इलेवन के ऑनर की ओर से 1001। स्ट्राइक पर फिलहाल भवानसु, रनों की जरूरत है पुर्तगाल बार को। 9 गेंदों में 29 रन। और यहां पर हुआ वाइड, यानी कि अभी भी मौका गेंदबाज चंद्रकांत के लिए। एक रन के साथ। और यहां पर हुई खराब गेंद, एक अच्छे संकेत पुर्तगाल बार के लिए। ये मुकाबला बेहद रोमांचक होता हुआ आगे बढ़ता हुआ। स्कोर 60, यानी कि 8 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 22। हर एक गेंद के साथ रोमांच बढ़ता हुआ, मुकाबला बेहद रोमांचक है। खराब गेंद, विकेटों की तलाश में फुलटोस कर बैठे। और इस बार अच्छी लाइन एंड लेंथ, इस प्रकार की क्षमता है गेंदबाजी की तो फिर फुलटोस क्यों करनी। गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 22, 22। गॉड, व्हाट अ शॉट, ब्यूटी ऑफ द मैच। जी हाँ, अच्छी ओवर जा रही थी। भवानसु, 3 गेंदों में 12 रनों की महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। अब खेल बचा है 6 गेंदों का, और 6 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 16। और बल्लेबाज खुद कप्तान सुई। ये मुकाबला बेहद रोमांचक बनता जा रहा है। बाले जो कि अपने 2 ओवर के कोठे में उन्होंने रन खर्च किए 16, 4 सफलता प्राप्त की, 1 हैट्रिक। शुरुआती 3 गेंद की अगर बात करें तो 3 गेंद पर कोई रन खर्च नहीं किया था, हैट्रिक विकेट लिया था। फिर उसके बाद इस प्रकार की गेंदबाजी, एक अच्छे गेंदबाज जरूर है पर यहां पर महंगे साबित हुए। गेंदबाजी में लाया गया है वासु को।
यहाँ पर वासु को लाया गया है, 6 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। और यहां पर तो थी खराब गेंद, पर डॉट बॉल में तकदील, बल्लेबाज जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, अच्छी लाइन एंड लाइन रखी, टप्पा बिल्कुल। और यहां पर बड़ा शॉट की, ओ माय गॉड, यहां पर दो फील्डरों को चीरती हुई बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास थी गेंद, और 2 रन यहां से प्राप्त हुए, और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 68। 4 गेंदों का खेल अनिशेष, और 4 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। खेल बेहद रोमांचक बनता हुआ, पुर्तगाल 12 वर्सेस रीसी 11, एक जीत इस टूर्नामेंट में दर्ज कर चुकी है रीसी 11, जीत की तलाश में पुर्तगाल 12, देखना होगा आने वाली 4 गेंद। एक और हवा में गेंद, और यहां पर दो फील्डरों को चीरती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है 72। दो फील्डरों की यहां पर तालमेल में कमी, जिस तरह से इस गेंद को अगर बाउंड्री लाइन के अंदर भी रोक लेते तो काफी अच्छे संकेत रहते ऋषि 11 के लिए। और इसी बीच दो फील्डरों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 3 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी क्या पूरा प्रयास यहां पर वासु के द्वारा, बेहद रोमांचक मुकाबला। एक बार फिर यहां पर डाउन द ग्राउंड, अरे यहां पर हुई गलती, जी हाँ, और चंद्रकांत वाले यहां पर हल्की सी गलती करते हुए स्ट्राइक पर जा चुके हैं कप्तान। अगर बॉल को डेट करते तो यहां पर स्ट्राइक पर नहीं पहुंच पाते, और यहां पर आत्महत्या करते हुए भवानसु, एक अच्छी पारी उनकी ओर से खेली जा रही थी। और यहां पर गलती महंगी पड़ती हुई, जिस तरह से 79 रन, कल्पेश अपना घरेलू क्रिकेट मोटी दमन से खेल रहे हैं। खेल बेहद रोमांचक होता हुआ, हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। फिलहाल दोनों टीमों के लिए यही वक्त चल रहा है। आखिरी गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 3। आखिरी गेंद रन चाहिए 3। मैं यहां पर कमजोर दिल वाले दर्शकों को निवेदन करता हूं कि थोड़े देर के लिए अपने कान और आंख बंद कर लीजिए, आगे बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और यहां पर जो गलती की थी विकेट कीपर ने, यहां पर भुगतनी पड़ेगी टीम को। जी हां, कप्तान को स्ट्राइक भेजी गई थी, स्टंप को अगर उखाड़ लेते तो स्ट्राइक बॉल डेड हो जाती, पर यहां पर
और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी उनकी ओर से। पुर्तगाल बार के खिलाड़ी दर्पण प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैन ऑफ द मैच गोस टू दर्पण। एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी, 15 गेंदों में 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी।